अब तो कुछ नहीं होने वाला। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरी उल्टी आई थी खून वगैरह की एक दो बार, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आपको तो ना कैंसर हो गया और आप 1.5 साल ही रह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इस बैंड का चयन दिल्ली पुलिस में फाइनल रूप से हो चुका है, बधाई के पात्र है पूरे एवरग्रीन एकेडमी परिवार की तरफ से। और हर एक की सफलता के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, मैं ऐसे बन गया, या मैं बिल्कुल माटी में था और एकदम यहाँ पे पहुँच गया, मेरे को पता लगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो लाइफ में चेंजमेंट बहुत सारे रहते हैं, इनकी लाइफ में थोड़ी अलग सी कहानी है। आज से शायद 2 महीने पहले इनकी जो हालात थे बहुत एक बुरे हालात थे, शारीरिकली मानसिकली जैसे मर्जी मान लो, तो फाइनली इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने एग्ज़ाम जो फाइट किया होता उसका रिजल्ट आया। तो अपने शब्दों में अगर बयान करे बंदा अपनी लाइफ के ऊपर तो ज़्यादा बेटर रहता है, मेरे बोलने से तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ। तो रिंकू बहन अपने शब्दों में बयान करे, जब आए कैसे थे और क्या हुआ था पूरा थोड़ा सा अपनी छोटी सी इस जर्नी, सफलता की जर्नी का छोटा वाक्य साझा करो। तब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं आई थी सर के पास कि सर मैं ग्राउंड में नहीं आ सकती। फिर सर को बताया था कि ये बात होती है, तो फिर सर ने कहा था कि एक बार दोबारा जांच करवाओ, क्या पता उन्होंने गलत रिपोर्ट दे दी हो, और ऐसे कोई किसी को बताता भी नहीं है। तो भी मुझे ऐसा लगा था कि उन्होंने सच्ची बोला होगा, कि भैया गए थे उस टाइम शायद मेरे साथ में। फिर मैंने 2-3 दिन घर वालों से कुछ नहीं कहा, मैंने बात भी नहीं की अच्छे से। फिर पापा और फ़ोन पे रोने लगे कि कुछ ना कुछ तो बात है, तू हमें बताती नहीं है ये सब कुछ। फिर भैया ने फ़ोन करके मुझे घर पे बुलाया। उस दिन मेरा फ़ोन 24 घंटे जरा माइंड इतना घूम चुका था कि मतलब हालात ऐसे हो गए थे जैसे कुछ खा पी के मर जा, ऐसे हो रखे थे बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा माइंड के अंदर। रोती रही 2-3 दिन। फिर मैं घर पे गई तो घर पे फिर वैसे ही बीपी लो गया था, जो डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी थी तो उसके अंदर कैंसर बता रखा था। फिर ना मैंने उनको बोला था कि भाई जी आप घर पे मत बताना, उन्होंने पापा को और मम्मी को बता दिया था। फिर उससे घर वाले भी काफ़ी टेंशन में आ गए थे। फिर अगले ही दिन हमने हिसार जिंदल हॉस्पिटल के अंदर मुझे एडमिट करवाया था, और वहाँ पे मेरी सारी जांच हुई थी तो वहाँ पे नॉर्मली आया था। फिर मेरी 3 महीने दवाई चली थी, फिर मेरा मेडिकल भी आया था। मेरे देने की कोई सलाह ही नहीं थी कि मैं मेडिकल दे सकती हूँ, क्योंकि अब भी मैं बोलती हूँ तो मेरा गला वैसे ही बैठ जाता है और अंदर से चिरी जाता है, इसीलिए बिल्कुल हिम्मत हार गई थी। घर वाले भी रोने लगे बहुत, मुझे सारा दिन वो सोते ही नहीं थे, रात को खाना नहीं खाते थे अच्छे से बस। फिर मैं मेडिकल देने के लिए गई तो मेडिकल क्लियर हो गया और अब फाइनल रिजल्ट आ गया। तो एक ना डॉक्टर एक इलाज करता है, एक बंदा खुद अपना इलाज करता है। अगर बंदा खुद अपना इलाज अपने दिमाग से करता है तो शायद इससे बड़ी बीमारी को ठीक नहीं होती। योगा बोल दिया या अपनी सोच से बंदे की बीमारी को ठीक करना, ये मैं हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं हूँ, मेरा शरीर है मेरे को पता है। तो लड़ाई अपने आप से बहुत बड़ी होती है भाई, अपनी सफलता के लिए लड़ाई अपने आप से बहुत बड़ी होती है। इस बहन ने इतनी बुरी खबर सुनने के बाद, शायद अगर आप भी सुनोगे तो एक बार आप भी टूट जाओगे, कोई भी टूट जाएगा कि मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी। बस सबको दिखेगा क्लियर ही आपको कि मैं क्या करने आया था, क्या सोचा था और क्या हो जाएगा, कल को क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे माँ का क्या होगा, जिनका उम्मीद भेजा था मेरा। तो बंदा रोता है, टूटता है। ऐसी बीमारियाँ और ही बहुत सारी है जिनका मैं नाम ना उचित नहीं समझता, लेकिन ऐसी बीमारी आपको पता लग जाए तो बंदा वैसे ही ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपकी लड़ाई अगर अपने आप से स्ट्रांग हो, विल पावर जिसको बोलते हैं, दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो, कुछ नहीं होगा, बाढ़ में जाए बंदा ज़्यादा जीता है। वो जो ऐसी चीज़ों को नकारता है ना, है कुछ नहीं होगा, छोड़, क्या पेन, क्या सिरदर्द, क्या बीमारी, जब तक जिएंगे आराम से जिएंगे तो ज़्यादा बेटर है। वो लाइफ में पता नहीं कब क्या गाड़ी पंक्चर हो जाए, जो स्वस्थ है उसको भी पता नहीं कब शाम को उठ ही ना पाए, ऐसा भी होता है। कोई भरोसा नहीं है, मशीन है, कब कौन सा पुर्जा रुक जाए पता ही नहीं है। आज हम बात करें, कल करें ना करें पता ही नहीं है। लेकिन जो कि ताकत है ना आपके अंदर है, ऐसी लोग बहुत सारी और भी आएंगी। पहले तो बहन ने अपनी जो सच्ची कहानी जो लाइफ के ऊपर आई है बताई, क्योंकि इसने पहले कुछ दिन यहाँ पे बयान किया था तो सारे एकेडमी रो पड़ी थी यहाँ पे। जब इन्होंने आके बताया था मैं खुद यकीन नहीं किया, मैं बताना भी नहीं चाहता बच्चों को, बताना पड़ा कि ऐसा हादसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मैं खुद ही मेरा कुछ सब पूरी अकेडमी आपको पानी आ गया था, हंसो कूदो आगे बढ़ते रहो। खैर पूरे एवरग्रीन एकेडमी परिवार की तरफ से इस बैंड रिंकू को बहुत बहुत बधाई, जल्दी बेल्ट पहन के हमारे पीछे आएंगी। सबसे पहले तो रिंकू को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इतनी दूर से आके अदर स्टेट से
इस अकेडमी परिवार से, इन कोचेज पे भरोसा किया, अपनी फैमिली पे जो भरोसा किया, तो ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सबको छोड़कर यहाँ आना और अपने आप पे सबसे बड़ा ट्रस्ट किया इन्होंने कि मैं कर सकती हूँ। सर ने भी जैसे बताया था, उससे एक दिन पहले इसने बताया था, सर सॉरी मैं दोबारा अकेडमी नहीं आ सकती। तो मेरे भी, मैंने कहा सुबह प्रैक्टिस करके गई थी और अचानक से क्या हो गया, तो इसने मतलब धीरे धीरे बोला, अभी बिल्कुल भी मतलब पास वाला भी नहीं सुन सकता, इतने धीरे बोला। तो हो गया सर, वैसे सर ने मेरे को पर्सनली बता दिया था कि सर ऐसे करके उनकी दिक्कत हो गई, तो फिर मैंने ज़्यादा इनसे मतलब बोला नहीं, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सही हो जाओगे, आप करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो। घर पे जाने के बाद भी एक दो बार इनको कॉल किया, इनके पापा से भी बात हुई मेरी, तो निरंतर हम भी हौसला देते रहे, फिर इनकी वजह, हौसला देने की वजह से किसी को हौसला मिलता है। फिर इनसे बात हुई तो नहीं नहीं सही हो जाओगे, फिर रिपोर्ट आई तो भी पॉजिटिव हो गए, उसके बाद इनका रिजल्ट भी आ गया, तो राज पाएँ बीच में है। तो बहुत बड़ी एक संघर्ष रहा इनका भी और इनके परिवार का भी, जो इस दुख की घड़ी में इनके साथ रहे, तो बहुत बधाई हो इनको, आगे भी इनके जो भविष्य की कामना। 31 बंदों का चयन होने के बाद में एक अलग चयन हमारी बहन का, रिंकू बहन का चयन दिल्ली पुलिस में हुआ है, तो पूरे अकेडमी परिवार की तरफ से इसको बहुत बहुत बधाई हो।